प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दुनिया समानांतर से एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है सामान और इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। उसका जी धक से होकर रह गया और अचानक उसने अपना हाथ पास रखे हुए सूटकेस पर रख दिया। जरूर वह टेबल क्लॉथ वहीं पर रह गया है, उसने सहमी दृष्टि से बगल में बैठे रवि की ओर देखा। वह सिर झुकाए हुए जैसे कुछ सोच रहा था। बात उसके होठों तक आकर रह गई और वह मुंह घुमाकर बाहर की ओर देखने लगी। दूर तक फैले हुए कटे पड़े खेत और कहीं कहीं पेड़। वह हर चीज के बारे में सोचने लगी। चलते समय उसने सारी चीजें सहेज कर रख ली थी। टेबल क्लॉथ समेट कर बराबर खुली रहने वाली आलमारी में रख तो दिया था, पर फिर उसे सूटकेस में रखा था या नहीं यह उसे याद नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर सोचा कि वह रवि से टेबल क्लॉथ के बारे में बता दे। फिर उसने सोचा कि वह व्यर्थ ही बहुत अधिक चिंतित हो उठेगा और खींचकर बहुत सारे प्रश्न पूछने लगेगा। शादी के बाद पिछले 2 वर्ष में वह यह बात अच्छी तरह जान गई थी कि रवि अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंतित हो उठता है और खींच कर उससे कितने ही प्रश्न पूछ बैठता है। पर वह उसकी खींच का कारण धीरे धीरे समझने लगी थी। वह समझने लगी थी कि रवि किसी चीज के खो जाने पर एक नए खर्च और एक अव्यवस्था की बात सोचकर ही खींच उठता है, इसीलिए अब उसके प्रश्नों से उसे बहुत दुख नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद एक जगह बस रुकी तो रवि ने उसकी ओर देखकर पूछा, पानी पियोगी? नहीं, उसने धीरे से कहा। हालांकि उसे थोड़ी सी प्यास लगी थी, पर मन में एक तरह की घबराहट भर गई थी और वह बिल्कुल चुपचाप बैठी रहना चाहती थी। उसने बाहर की ओर नजर दौड़ाई। छोटी छोटी कपड़े या अनाज की दुकानें, चबूतरों के ऊपर चारपाइयों पर लेटे हुए लोग, दुकानों के ऊपर कमरों और बरामदों में दिखाई पड़ने वाले चेहरों की ओर देखकर वह हल्के आश्चर्य से भर गई। यहाँ दिन भर धूल सी उड़ा करती है, बसें और लॉरियां रुकती है और बहुत से लोग रात दिन यही रहते हैं। बगल से एक लॉरी निकल गई तो उसने मुंह भीतर की ओर कर लिया। टूथपेस्ट और ब्रश तक उसने रख लिए थे। टेबल क्लॉथ भी शायद उसने रख लिया था, नहीं वह वहीं पर छूट गया है। उस कमरे का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह एक बार फिर टेबल क्लॉथ के बारे में सोचने का प्रयत्न करने लगी, पर वह कुछ सोच ना पा रही थी। मन के किसी कोने में वह बात घर कर गई थी कि अगर यह मालूम हो गया कि टेबल क्लॉथ वहीं छूट गया है तो उसकी घबराहट और खींच बढ़ जाएगी, इसीलिए वह उसके बारे में एक संशय बनाए रखना चाहती थी। छोटी बहन के घर अब वह कब जाएगी ठीक नहीं, और उसके यहाँ से कोई कब आएगा कहा नहीं जा सकता। टेबल क्लॉथ कितना सुंदर और कीमती था और उसने कितनी मेहनत से उस पर कढ़ाई की थी। जिस दिन उसने टेबल के ऊपर उसे बिछाया था, पूरा कमरा बहुत सुंदर दिखने लगा था और रवि ने खुश होकर कहा था, यह काम तुमने इनाम देने लायक किया है। उसने एक गहरी सांस ली। घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे अब अपने दोनों कमरे याद आने लगे जिनमें उसकी कई दिन की अनुपस्थिति के कारण धूल जम गई होगी। वह कब से सोच रही थी कि जाते ही कमरे साफ करेगी और सब सामान ठीक से सजा देगी, पर अब उसे लग रहा था जैसे कमरे का साफ होना या न होना बहुत महत्व नहीं रखता। रवि अक्सर कहा करता है कि टेबल लैम्प का नीला शेड और टेबल क्लॉथ, ये दोनों चीज़ें उससे बहुत काम करा लेती हैं। और उसने गौर किया था कि सचमुच वह टेबल क्लॉथ पर झुका हुआ कभी बहुत देर तक कॉपियां जांचा करता था और कभी लगातार कुछ लिखता रहता था। जाड़े की शामों को वह स्वयं कभी घर में अकेली होती टेबल पर झुककर कोई पुस्तक पढ़ना या पलंग पर लेटकर कुछ सोचना उसे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वह सलाइयां और ऊन लेकर बहुत देर तक कुछ बुनती रह जाती। सामान सहेज लो, रवि ने धीरे से कहा। उसकी इच्छा हुई कह दें सामान है ही क्या, पर उसने पैरों के पास रखे हुए बैग और झोले को सामने की खाली सीट पर रख दिया और सैंडल पहन ली।
उठो, सामान उतार कर रवि ने रिक्शा किया। धूप बहुत तेज थी और सड़कें सूनी थी। जाते ही स्नान करूंगा, रवि ने धीरे से कहा। उसने कुछ कहा नहीं, वह अभी भी टेबल क्लॉथ के बारे में सोच रही थी। जब तक वह सूटकेस खोलकर देख न लेगी तब तक रवि से उसके बारे में कुछ न कहेगी। घर पहुंचते पहुंचते उसे लगा जैसे वह बहुत थक गई है। रास्ते भर वह रिक्शा में चुपचाप बैठी रही थी और सोचती रही थी कि वह घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट जाएगी और थकान उतारने की चेष्टा करेगी। वह बिस्तर पर लेटकर तकिए में मुंह छिपा लेगी और रवि अगर टेबल क्लॉथ छोड़ आने के लिए कुछ कहेगा तो पड़े पड़े चुपचाप सुन लेगी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और पलंग पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी कि रवि स्नान करने चला जाए तो सूटकेस खोलकर देखे टेबल क्लॉथ है या नहीं। थोड़ी देर बैठकर रवि बैग में सोप केस ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? सोप केस तुमने कहाँ रखा है? इसी में तो था। इसमें तो नहीं है। उसके मन में एक खीज भड़ गई। कहीं से चलना हुआ तो इतनी जल्दी मचाएंगे जैसे कोई आफत आ पड़ी हो। ऐसे में चीजें छूटेंगी नहीं। देखो सूटकेस में तो नहीं है। सोपकेस सूटकेस में? पर उसने चाबियों का गुच्छा लेकर सूटकेस खोला। इसी बहाने वह देख लेगी कि टेबल क्लॉथ है या नहीं। वह घबराई सी कपड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। टेबल क्लॉथ वहीं छूट गया था, सोपकेस भी नहीं था। इसमें तो नहीं है, रुको अलमारी में साबुन रखा है, कहकर उसने अलमारी खोली और साबुन की टिकियां निकालकर रवि की ओर बढ़ा दी। वह तौलिया और साबुन की टिकियां लेकर बाथरूम की ओर चला गया। किवार ओढ़का कर वह पलंग पर लेट गई और खुद को समझाने का प्रयत्न करने लगी। बस रवि थोड़ा बहुत नाराज हो लेगा और वे लोग जाकर कोई कपड़ा खरीद लाएंगे और वह फिर उस पर कढ़ाई कर लेगी। पर न जाने क्यों घबराहट कम नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि रवि के नाराज होने की संभावना का उसे उतना दुख नहीं है जितना टेबल क्लॉथ के छूट जाने का। पलंग के पास ही टेबल पड़ा हुआ था और बिना टेबल क्लॉथ का टेबल उसे बहुत अजीब लग रहा था और हल्के अंधेरे में पूरा कमरा उसे बहुत सूना सूना और बेतरतीब मालूम पड़ता था। रवि स्नान करके लौटा तो उसने पूछा, नहाओगी? नहीं, नहा लूंगी, उसने धीरे से कहा। टेबल क्लॉथ वहीं पर छूट गया है। वह आगे कहना चाहती थी कि उसने तो मना किया था कि उसे न ले चलो, तुम्हें वहां कौन लिखना पढ़ना है और फिर किसी के यहाँ इस तरह की कोई चीज बिछा कर क्या वापस लौटते समय उसे समेट लेना अच्छा लगता है? मुझे तो हर जगह पढ़ना लिखना रहता है, रवि ने कहा था। वह रवि की ओर देखने लगी कि वह क्या कहता है। यह भी खूब रही, कहकर रवि ने अलमारी से छोटा सा शीशा उठा लिया और बाल संवार कर चेहरा देखने लगा। रवि के हाथ में वह शीशा देखकर उसे याद आया कि करीब एक महीने पहले किस तरह दीवार पर टंगा हुआ बड़ा सा सुंदर शीशा साफ करते समय उसकी जरा सी असावधानी से गिरकर टूट गया था और तब रवि कितना खींच उठा था और कई दिन तक उसे बीच बीच में यह बताता रहा था कि उतना कीमती शीशा फिर खरीद कर लाना बहुत मुश्किल है। शीशे के नीचे कंघा पाउडर वगैरह रखने की जगह थी और तब कितनी सुविधा होती थी। अब कंघा कहीं पड़ा रहता है और शीशा कहीं। सारी बातें सोचकर उसे लग रहा था जैसे उसमें उठने की शक्ति न बची हो। सहसा उसे इस बात का भान हुआ कि टेबल क्लॉथ छूट जाने की बात सुनकर रवि नाराज नहीं हुआ। शायद वह इस यात्रा से बहुत संतुष्ट है। उन्हें चिट्ठी लिख देंगे कि वह टेबल क्लॉथ भेज दें। नहीं नहीं, जल्दी क्या है, वहां से कोई आएगा तो आ जाएगा, रवि ने कहा। रवि की इस बात को सुनकर उसे लगा जैसे अचानक उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जल्दी से नहा आओ तो चाय पी जाएं। अभी आई, कहकर वह उठी और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चली गई। नहा धोकर लौटी तो उसे ताजगी महसूस हो रही थी। अब वह टेबल क्लॉथ के बारे में लगातार नहीं सोच रही थी। पर जब उसने साबुन की टिकिया टेबल के ऊपर रखी तो अचानक उसे फिर टेबल क्लॉथ और सोप केस के छूट जाने की बात याद आ गई और वह फिर कुछ अनमनी सी हो गई। इतनी गर्मी में उसे चाय पीना अच्छा नहीं लगता था, पर आज उसकी भी चाय पीने की इच्छा हो रही थी। उसने जल्दी से चाय बनाई और एक कप रवि को देकर एक कप में चाय डालकर स्वयं भी पीने लगी।
चाय पीते हुए उसने एक बार कमरे में चारों ओर निगाह दौड़ाई। जगह जगह धूल जम गई थी और छोटी बड़ी चीजें इधर उधर बिखरी थी। सहसा उसने सूटकेस की ओर देखा और चौंक पड़ी। एक कोने में चमड़ा किसी चीज से कटकर उघड़ आया था। इस पर कितने दिन से कवर लगाना है, इस तरह तो यह बिल्कुल खराब हो जाएगा। रास्ते भर उसे लग रहा था जैसे वह कुछ भी देख सुन नहीं रही, पर इस वक्त उसे यात्रा की एक एक बात याद आ रही थी और वह उन जगहों के बारे में सोचने लगी जो रास्ते में मिली थी। धूल भरी और बेतरतीब, और उसके मन में छोटी बहन और उसके आसपास के घरों की याद ताजा हो उठी। वह उसकी बेतरतीबी और अभाव को बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगी और एकाएक अनजाने ही उसके मन में अजीब अजीब भावनाएं घूमने लगी। वह अपनी कल्पना में उन घरों और कमरों को सामान से भरा और सजा हुआ देखने लगी। और चाय है, रवि ने पूछा तो वह जैसे चौंक उठी और हाँ कहकर उसने रवि के हाथ से कप ले लिया। किसी दिन चलकर टेबल क्लॉथ का कपड़ा खरीद लाएंगे, बिना उसके टेबल अच्छा नहीं लगता। किसी दिन क्यों, आज ही। वह आ जाएगा तो दो हो जाएंगे और बारी बारी से धुलवा लिया करेंगे, फिर रवि ने हंसते हुए कहा। अच्छा हुआ वह वहाँ ही छूट गया, तुमने छोटी बहन को कुछ दिया ही नहीं था, एक शीशा भी, उसने धीरे से कहा। हाँ हाँ, कहकर रवि ने कप रख दिया और आंखें मूंद ली। वह हल्के अंधेरे में कमरे को देखने लगी। आज उसे अपने और दूसरों के अभाव बहुत स्पष्ट नजर आने लगे। उसके मन में फिर वही भावनाएं और कल्पनाएं भर गई और बहुत से सामान उसकी आंखों के आगे घूमने लगे जिनसे सब कुछ सजा हुआ और सुंदर मालूम हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।